बिहार में सीट बंटवारे पर अपोजिशन इत्तेहाद में हलचल तेज हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश लालू के साथ वर्चुअल मीटिंग की है और मीटिंग में शरद पवार भी शामिल हुए। सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग में चर्चा हुई है और जल्द यहां निकल सकता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, ऐसी उम्मीदें जाहिर की जा रही है। क्योंकि जो एक कमेटी बनाई गई थी, कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के जरिए अपनी रिपोर्ट ये भी बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी गई है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा इस पर बात करने के लिए, एक फॉर्मूला सेट करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश और लाल प्रसाद यादव से भी बात की है। वर्चुअली ये बातचीत हुई है। शरद पवार भी इस बातचीत का हिस्सा रहे हैं क्योंकि ये माना जा रहा है, क्योंकि वक्त कम बचा है तो जल्द से जल्द इंडिया इत्तेहाद को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना होगा। लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, कोई एक साफ तस्वीर नजर नहीं आ रही है। हालांकि तस्वीर दिखाने की कोशिश जरूर होगी लेकिन फिलहाल अभी धुंधली ये तस्वीर है। कब तक पिक्चर क्लियर होगी ये अभी नहीं बताया गया है, लेकिन हलचल तेज हो गई है सीट शेयरिंग को लेकर। अपोजिशन जमातों के जरिए जो कि इस इत्तेहाद में शामिल है, उनके जरिए पहले ही वाजे किया गया था कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना चाहिए, लेकिन वो डेट भी निकल गए और अब जिस तरीके से वक्त लगातार बीत रहा है और इलेक्शन का वक्त नजदीक आ रहा है, ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा इंडिया इत्तेहाद के अंदर, इसको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। हलचल तेज होने के साथ ही आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार और लाल प्रसाद यादव से वर्चुअली बातचीत की है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर। शरद पवार भी इस बैठक का हिस्सा रहे हैं। वाजी रहे कि इससे पहले जब चौथी मीटिंग हुई थी इंडिया अलायंस की, तब मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए कहा गया था कि पहले हम रियासती तौर पर यानी कि जो रियासत के जिम्मेदार हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये तय किया जाएगा।